ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं प्लिंथ बीम क्या होता है। तो प्लिंथ लेवल सबसे पहले हम जानते हैं कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बनाते हैं या फिर हाउस कंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो वहाँ पे प्लिंथ लेवल दिया जाता है। तो प्लिंथ लेवल सबसे पहले देख लेते हैं होता क्या है। वेयर द सब स्ट्रक्चर एंड्स एंड सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट्स, जहाँ पे हमारा सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जो ग्राउंड लेवल, ये हमारा होता है ग्राउंड लेवल, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या फिर घर बनाने के लिए यूज होता है। तो ग्राउंड लेवल से जो नीचे का स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम सब स्ट्रक्चर, और जो ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है वो उसको बोलते हैं सब सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जहाँ पे हम ग्राउंड लेवल से जो नीचे का जो स्टार्ट हो जाता है उसको हम प्लिंथ लेवल स्टार्ट बोल प्लिंथ लेवल उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ये DPC यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, प्लिंथ लेवल पर करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका फ्लोर हो गया, यहाँ पर आपका क्या यूज करते हैं, ग्राउंड फ्लोर, या आपका ग्राउंड फ्लोर यूज करते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर पे हम क्या देते हैं, प्लिंथ लेवल दे देते हैं, या प्लिंथ लेवल हो जाता है। जैसे आपकी बाउंड्री वॉल यूज करते हैं तो बाउंड्री वॉल में हम प्लिंथ DPC यूज करते हैं, तो उसको कहा देते हैं, कोई भी बोल देता है आपसे प्लिंथ लेवल पे या DPC यूज कर लिए, प्लिंथ लेवल पे आप प्लिंथ बीम यूज करना है। उसके बाद देख लेते हैं प्लिंथ बीम क्या होता है। तो प्लिंथ बीम के बारे में हम जानेंगे, तो प्रोवाइडेड एज अ प्लिंथ लेवल, जो प्लिंथ बीम होता है, प्लिंथ और DPC में और प्लिंथ बीम में जस्ट यही डिफरेंस होता है कि जो DPC हम यूज करते हैं उसमें सिर्फ कंक्रीट यूज करते हैं 1:2:4 के रेशियो में, या फिर 1:1.5:3 रेशियो में, और प्लिंथ बीम हम यूज करते हैं रेनफोर्समेंट के अंदर, जिससे कि उसकी जो बिल्डिंग डेप्थ और ब्रेथ होती है उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं प्लिंथ बीम को, ये यूज करते हैं हम। सबसे पहले मेन पर्पज़ होता है इसका, जैसे कि आपकी ये वॉल हो गई, ठीक है, ये आपका एक कॉलम होता है, तो कॉलम से कॉलम को इंटरकनेक्ट करता है, प्लस उसका दूसरा प्रॉफिट ये होता है, उसका तो पर्पज़ ये होता है कि जो वॉल होती है, ब्रिक वॉल हम यूज करते हैं यहाँ पे, वो ग्राउंड लेवल से, जैसे कि ग्राउंड लेवल से आए नीचे बेसमेंट से फुटिंग से लेकर आता है प्लिंथ बीम तक। प्लिंथ बीम के बाद हम इसको जो प्लिंथ बीम होती है इसको बकलिंग, जो इसको बेंडिंग मोमेंट्स को रजिस्ट करती है। उसके बाद जो लोड आता है, जो हम ब्रिक वॉल इस पे साइड इस पे यूज करते हैं ब्रिक वॉल, जो लोड डिफेक्ट करता है कॉलम पे डिफेक्ट करता है। ठीक है, तो कहाँ वो कॉलम का कहाँ डिफेक्ट करेगा, प्लिंथ फुटिंग पर। ठीक है, ये फुटिंग पर डिफेक्ट करता है, तो इसमें जो भी क्रैक्स आते हैं वॉल के अंदर उसको रजिस्ट करता है, उसको उसको जो भी प्रिवेंशन करता है क्रैक्स आने से, जो वॉल होती है प्लिंथ बीम होती है। ठीक है, तो कॉलम को बकलिंग होने से रोकता है, जैसे कि कॉलम की जो हाइट होती है, जो लेंथ होती है, ग्राउंड लेवल से गई नीचे या फुटिंग हो गया, फुटिंग से बिल्कुल सीधा कॉलम जाता है, ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल से हमारी 10 फीट या फिर 12 फीट होती है, प्लस इसके 2 फीट हो जाता है, 12 फीट हो जाता है, तो काफ़ी लेंथ हो जाती है। तो लेंथ को थोड़ा कम करने के लिए, इसको बकलिंग को रजिस्ट करने के लिए, ताकि कॉलम के अंदर कोई बकलिंग ना है। बकलिंग क्या होता है, जैसे कि ये कॉलम होता है, तो कॉलम के अंदर जो डिफेक्ट होता है, जैसे कि इस तरह से रजिस्ट होता है या फिर इस तरह से रेस्ट होता है या फिर इस तरह से होता है, तो उसको बकलिंग बोला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, लॉन्ग कॉलम में हमेशा बकलिंग होता है और शॉर्ट कॉलम में हमें कंप्रेशन फेलियर होता है। तो सेकेंड इज देख लेते हैं इन फ्रेम स्ट्रक्चर, जो भी एक फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, प्लिंथ बीम इज द फर्स्ट बीम कंस्ट्रक्शन आफ्टर फाउंडेशन, जो भी हम प्लिंथ बीम साइड पे प्लिंथ बीम कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं वॉल के अंदर, तो ग्राउंड लेवल सब स्ट्रक्चर से स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे जब हम प्लिंथ लेवल पे आते हैं, ग्राउंड लेवल पे आते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोवाइड प्लिंथ बीम यूज करते हैं। तो प्लिंथ बीम जहाँ पे हम यूज करते हैं, वो टॉप जो टॉप होता है प्लिंथ बीम का, वो टॉप होता है हमका ग्राउंड लेवल पे फ्लोर का। ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर हो जाता है आपका, ग्राउंड फ्लोर जो आपका रूम का होता है, रूम के लिए। ठीक है, तो ये हम इसको क्या करते हैं, फ्लोर के यूज करते हैं। और सेकंड पर्पज़ इसका होता है, जैसे कि आपका ये इस तरह से आप कॉलम बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई कॉलम रहे हैं, बीच में कोई शायद कॉलम ले लेते हैं, तो उसको क्या करेंगे हम, इसको तो उस, ठीक है, तो हमें ये क्लियर हो गया। थर्ड इज हमारा प्रोवाइड एट ग्राउंड लेवल, तो मेन पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट, जो हम प्लिंथ बीम को यूज करते हैं ग्राउंड लेवल पर प्रोवाइड करते हैं, जो भी आपका ग्राउंड फ्लोर होता है उसको, बीम को, जबकि वॉल होती है ग्राउंड लेवल पर, जो आपकी वॉल होती है, तो उसको क्या करता है, प्रिवेंशन करता है, ताकि कोई भी क्रैक्स होते हैं वॉल के अंदर स्टार्ट होते हैं, किस कारण से होता है, वो लोड के फैक्टर से, जैसे कि वॉल पे लोड आता है हमारा स्लैब का, या फिर खुद डेड लोड होता है स्लैब का, तो उससे भी हमारा डिफेक्ट करता है। जैसे भी नीचे से भी कोई प्रिवेंशन, जैसे कोई सीलन आती है नीचे से ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल से कोई सीलन आती है बीम के अंदर, तो वो डिफेक्ट करता है आपको वाल को, नीचे थोड़ा डिफेक्ट करेगा, पर प्लिंथ बीम से ऊपर डिफेक्ट नहीं करता है। प्लिंथ बीम कहाँ से करता है, रजिस्ट करता है कॉलम को। ठीक है, तो हमारा जो वाल हम इस पे साइड पे यूज करते हैं, तो अगर नीचे से कोई भी नमी आती है तो बीम तक आती है, उस बीम के ऊपर नहीं आता है जो भी नमी होती है। अगर
ठीक है, अगर नमी हमारे पास ग्राउंड लेवल से ऊपर आ जाती है तो उसको भी वो क्या कर लेता है, रजिस्ट कर लेता है, प्रिवेंशन करता है, कोई भी क्रैक्स वाल के अंदर नहीं आते हैं। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आप फ्रेम स्ट्रक्चर बनाएं ताकि लॉन्ग टाइम के लिए आपका स्ट्रक्चर सेफ रहे। अब उसके बाद देख लेते हैं पर्पज़ ऑफ प्लिंथ बीम का, हमारे पास पर्पज़ क्या उद्देश्य है, प्लिंथ बीम हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो कनेक्ट ऑल कॉलम्स, तो पर्पज़ सबसे मेन पर्पज़ है कि जो कॉलम होते हैं, जो आपके जैसे कि चारों कॉलम हो गए, तो इनको कनेक्ट करेगा दोनों साइड से। इन ये होगा मेन पर्पज़ इसका, जैसे कि मैंने बताया था आपको, इसको कनेक्ट करेगा ताकि जो लोड है कॉलम का, जो लॉन्ग कॉलम होते हैं उनको थोड़ा रजिस्ट करे और बकलिंग से रोके। सेकेंड पॉइंट हमारा टू प्रिवेंट क्रैक्स फ्रॉम द फाउंडेशन टू द वॉल, क्या करता है, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंशन करता है फाउंडेशन से टू द वॉल के, जो आपकी वाल होती है फाउंडेशन से, जो फाउंडेशन से क्या होगा, ये स्ट्रक्चर स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया है। और जो हम ग्राउंड लेवल पर यहाँ पे वाल बनाते हैं तो इसमें अंदर जो क्रैक्स आते हैं कोई भी वाल के अंदर, कोई भी सीलन से या फिर कोई डेड लोल से, वो नहीं आएंगे अगर आप एक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें आप ओनली जिसमें वाल वाल लेते चले जाते हो, जिसमें ओनली ब्रिक वर्क यूज करते हो, वो तो आपका लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। और फ्रेम स्ट्रक्चर जिसमें आप कॉलम और बीम प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आप कॉलम यूज करते हैं, ब्रिक वर्क यूज करते हो, ठीक है। तो थर्ड इज टू अवॉइड डिफरेंशियल सेटलमेंट, तो ये क्या करता है, अवॉइड करता है डिफरेंशियल सेटलमेंट को, किसको, हाइट ऑफ कॉलम्स को, जो आपकी हाइट होती है कॉलम की, जैसे कि आपका 12 जैसे कि आपका ये 12 फीट हो गया, 13 फीट हो गया, इसकी कॉलम की हाइट है, तो उसको भी प्रिवेंस करता है, उसको भी बकलिंग के लिए उसको रोकता है। जैसे कि आपका इसमें क्या करते हैं, टाई बीम, उसको प्लिन बीम उसको यूज करते हैं ग्राउंड लेवल पे, हमेशा ध्यान रखना, उसको बोलते हैं हम प्लिन बीम। अगर ग्राउंड लेवल से जैसे नीचे हो गया या फिर ग्राउंड लेवल से ऊपर हो गया, जैसे कि आपको बेसमेंट बनाना है, बेसमेंट के अंदर भी आपने बीम यूज कर लेते हैं जैसे ब्रिक वर्क करते टाइम पे, तो वहाँ पर भी आपको प्लिन बीम, उसको टाई बीम बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हाइट ऑफ कॉलम, जैसे कि हाइट ऑफ कॉलम होती है, उसको जो क्या होता है, कॉलम के अंदर जो बकलिंग होता है उसको रजिस्ट करता है, उसको प्रिवेंट करता है बकलिंग को कॉलम की, इसलिए हम प्लिन बीम यूज करते हैं। तो मेन रीज़न क्या हो गया, कॉलम को बकलिंग करने से, कॉलम की जो लॉन्ग कॉलम होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, दूसरा हमारा जो वाल होती है ब्रिक वाल जो यूज करते हैं साइड पे, उसको भी कोई भी जो डिफेक्ट होता है उसके अंदर या फिर कोई क्रैक्स आता है उसको प्रिवेंट करता है। फोर्थ इज टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ वाल ओवर द फाउंडेशन, जो कॉलम की जो फाउंडेशन जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो फाउंडेशन यूज करते हैं, कॉलम यूज कर रहे हैं, जो भी लोड आता है आपका प्रिवेंट करता है आपकी फाउंडेशन फुटिंग यूज करते हैं, फाउंडेशन प्रिवेंट करता है आपका लोड, ठीक है। जो बीम प्रिवेंट, ये कहाँ पे आप लोड प्रिवेंट का क्या कर रहा है, बीम, तो बीम कहाँ पे रजिस्ट कर रहा है आपका, कॉलम के ऊपर, कॉलम क्या कर रहा है, फुटिंग के ऊपर, तो फुटिंग क्या कर रही है, प्रिवेंस कर रही है वॉल को, क्या करता है, लोड क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लोड हो रहा है, एक सब पैरेलल लोड हो रहा है, एकदम पूरी बीम पर एक डिस्ट्रीब्यूट लोड कर रहा है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, अगर आप इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।